नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद कोमल। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने अपने प्रचार करते वक्त अपने आप को चौकीदार बताया था, तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे हंसी आ रही है कोमल ये सुन के कि हमने उनको प्रधानमंत्री चुना था या चौकीदार चुना था। चौकीदार तो बहुत है हमारे पास, देश में वैसे ही बहुत हैं, जगह जगह मिल जाएंगे आपको। हमने इनको एक अच्छा पढ़ा लिखा समझा था, अच्छा एक ये समझा था कि ये देश के प्रति बड़ा डेडिकेटेड होगा, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया था। और वहाँ जा करके ये अपने आप को चौकीदार बताने लगे। और दुख की बात है कि हमारे बच्चे युवा जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी बोल दिया कि तुम भी सब बोलो मैं भी चौकीदार। तो वो पढ़ने की क्या जरूरत रहेगी? चौकीदार के लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। चौकीदार है, उसको खड़ा होकर करना है, अनपढ़ आदमी भी कर देगा उसके लिए। तो बहुत दुख की बात है कि ये किस दिशा में ले जा रहे हैं उनकी। मतलब देखिए, हम जैसी बातें सुनेंगे या जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारा मन होगा, वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। जब हम दिन रात कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम यही बोलेंगे मैं भी चौकीदार, तो वो आदमी चौकीदार की सोच में रह जाएगा, वो आगे निकल ही नहीं पाएगा। तो देश सिर्फ चौकीदारा करने से नहीं आगे बढ़ता है। और इन्होंने, मुझे नहीं मालूम ये क्या इनके अंदर सोच रही होगी, शायद इन्होंने चौकीदार अपने आप को इसलिए बोला होगा कि मैं रखवाली करूंगा देश की। तो रखवाली कहाँ की इन्होंने, ये तो उसके ऊपर भी खड़े नहीं उतरे। चलो मान गए हमने तो प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन ये अगर चौकीदार पसंद है इनको, चौकीदार बनना पसंद था, कोई बात नहीं, चौकीदार बन गए तो क्या चौकीदारा किया। इन्होंने तो बिल्कुल इशारे कर करके भगा दिया सबको, जो लोग चोरी कर करके लूट गए देश को उसको इशारे करके भगा दिया यहाँ से। यानी मैं तो समझता हूँ कि चौकीदार ही शामिल है देश के अंदर जो ये लूटने पे लगे हुए हैं। कितने आदमी हो गए अब ये, फिर जब इनको कोई कहता है तो ये दूसरों को दोष देते हैं। बहुत दुखद है। देखिए, आज जो सरकार नहीं है उनकी थोड़ी जिम्मेवारी है, लोन दिया होगा, लोन तो देश चल रहा है, बैंक भी चल रहे हैं, सबके व्यापार चल रहे हैं, तो लोन तो दुनिया लेती रहती है। ये क्या हो गया भाई, इन्होंने लोन दिया था भाई, उन्होंने उनके टाइम में किसी ने लोन मांगा है, उन्होंने दिया है, लेकिन तुम्हारे टाइम में भागे हैं वो। और जो इस तरीके से भाग्या कोमल, देखिए मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे सामने वो उनको कुछ ले दे के नहीं गया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने उससे कोई बेनिफिट लिए होंगे, जरूर जरूर कोई फायदा लिया होगा अपनी पार्टी के लिए या अपने नेताओं के लिए, जरूर फायदा लिया होगा, ऐसे नहीं भागेंगे। तो ये बहुत दुखद है। चौकीदार ठीक है, चौकीदार भी इंसान है, कोई वो गद्दार नहीं है, चौकीदार है एक वफादार आदमी होता है, वो दिन रात चौकीदारा करता है। तो ये तो इसने तो वफादारी भी नहीं निभाई, तो कम से कम अगर चौकीदार ही अपने आप को बनाया तो उस चौकीदारे को तो ठीक करता। बहुत बहुत इसने इनके टाइम में, देखिए भ्रष्टाचार तो कोमल 72 साल से होता आ रहा है, हर सरकार ने किया है, लेकिन इनके टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो ये किसी को पता भी नहीं लगने देना चाहते। ये बोलते हैं हम तो बहुत ईमानदार हैं, नीचे नीचे कर भी रहे हैं, और मतलब चोरी और सीनाजोरी। तो ये अजीब किस्म का चौकीदार है, हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए कोमल, देश को ऐसा चौकीदार, ये तो लूट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा देश को। तो ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनाए तो प्रधानमंत्री बन के बैठो यार, चौकीदार और ले आएंगे हम, बहुत है हमारे पास देश में, दुनिया भर के लोग अनपढ़ हैं, वो चौकीदारा करेंगे, तो इनको प्रधानमंत्री। और अभी तो ये प्रधानमंत्री भी, मैं तो इनको मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये चुना हुआ नहीं है। जब तक हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके मुताबिक आदमी चुनेगा, जनता उनको चुनती है तब वहाँ पर बैठते हैं, इसको तो चुना ही नहीं जनता ने। जनता ने, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान का बता रहा हूँ, मैं कई प्रदेशों में गया हूँ, जनता ने कहा नहीं, हमने तो इसको वोट दिया ही नहीं। और चुनाव से पहले गया हूँ मैं, सभी ने कहा। अब जैसे उत्तर प्रदेश की हमें रिपोर्ट मिली थी कि 20 से 21 नहीं हो सकती इनकी सीटें, 19 हो सकती हैं, और फिर वहाँ 62 आ गई। कैसी आ गई? वही सब EVM की मेहरबानी से। तो देखिए ये बहुत गलत है, फिलहाल बैठे हैं ये, गलत बैठे हैं, इनको तो तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जनता से मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि इनको तुरंत सरकार को बर्खास्त किया जाए, दोबारा चुनाव हो और EVM को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, फिर ही अपने आप को चौकीदार नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेहनत करके जाएंगे तो पता लगेगा ना इनको चुनाव जीतते या नहीं जीतते। तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। प्रधानमंत्री चुना है अगर तेरे को किसी ने, जनता ने, अगर तुम कह रहे हो तो प्रधानमंत्री बन के दिखाओ ना, चौकीदार क्यों बनते हो? ये बहुत दुखद है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।